सो हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू अवर वाडी चैनल राशन फोटोग्राफी। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोग को जन्माष्टमी के ऊपर फिर से मतलब एक फोटो एडिट यहां पर करना सिखाने वाला हूं, जो कि आप लोग हमारा फोटो यहां पर देख सकते हो कितना देखने में अमेजिंग सा लग रहा है। और ये वाला फोटो मतलब गर्ल कॉन्सेप्ट के साथ है, तो अगर आप सभी चाहते हो सेम टू सेम इस तरह का फोटो को एडिट करना सीखना, तो इस वाला वीडियो को आप लोग लास्ट से वॉच कर लीजिएगा। और वीडियो का एक भी पार्ट पसंद आए तो इस वाला वीडियो को आप लोग 1 लाइक और जरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन पे कर दीजिएगा। तो फिर विदाउट एनी टाइम गाइस, लेट गेट स्टार्ट दिस ट्यूटोरियल। ओके सो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज, आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली आप लोग को मतलब इस वाले बैकग्राउंड को आप लोग अपने पिक्सआर्ट एप्लीकेशन के अंदर यहाँ पर ओपन कर लीजिएगा। और जितना भी मतलब स्टॉक वगैरह का यूज करूँगा, सभी का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेल, इस वाले बैकग्राउंड को मतलब पिक्सआर्ट के अंदर ओपन करने के बाद सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर मतलब ऐड फोटो के ऑप्शन पर एक बार यहाँ पर टैप करना होगा इस तरह से। और यहाँ पर क्या करना है, एक मतलब राधा जी के PNG को ऐड करना है। तो गाइस, आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, सिंपली मतलब इस वाले फोटो को यहाँ पर ऐड कर लेना है। और इसको कुछ इस तरह से मतलब जूम करके इसको मतलब क्या करना है, इस तरह से यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है अपने मतलब फोटो के अकॉर्डिंग। और यहाँ पर क्या करना है, डन बिल्कुल भी नहीं करना है, दोबारा से मतलब ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करके इस बार यहाँ पर क्या करना है, अपने मतलब फोटो कटआउट को यहाँ पर ऐड कर लेना है। तो वेल, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली मतलब इस वाला फोटो को यहाँ पर ऐड कर लिया हूँ, आप लोग देख ही सकते हो। और 1 क्लिक के अंदर फोटो का बैकग्राउंड को रिमूव करने के लिए आप लोग मतलब फोटो रूम एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इस वाला फोटो को मतलब जूम करते हैं इस तरह से, और मतलब राधा जी के PNG के साथ यहाँ पर इसको इस तरह से एडजस्ट करते हैं कुछ इस तरह से। आप लोगों को मैं करके दिखलाता हूँ, आप लोग मतलब अपने फोटो के हिसाब से यहाँ पर कर लीजिएगा इस तरह से। मैं हल्का सा वीडियो को फास्ट करके यहाँ पर अच्छे तरीके से कर लेता हूँ इस तरह से। तो मेरे भाई, आप लोग यहाँ पर क्या कीजिएगा, कुछ इस तरह से मतलब इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर। और अभी आप लोग को यहाँ पर क्या करना है, इसको राइट क्लिक करना है इस तरह से, और यहाँ पर आप लोग को दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पे एक बार टैप करना होगा। और यहाँ पर क्या करना है, एक मतलब PNG को ऐड करना है, जिसका लिंक मतलब दे दूंगा आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। तो आप लोग को मतलब इस वाला PNG को ऐड करना होगा, और इसको कुछ इस तरह से जूम करके इसको हम लोग को नीचे के एरिया में मतलब इस तरह से जूम करके एडजस्ट कर देना है। ये मतलब ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, और सिंपली यहाँ पर डन कर देना है। अब दोबारा से मतलब ऐड फोटो के ऑप्शन पे एक बार टैप करना है, और कुछ और मतलब PNG वगैरह को यहाँ पर ऐड करना है। सो गाइस, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली 2 PNG को ऐड कर लिया है, आप लोग देख ही सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाला मोर पंख PNG को हम लोग साइड में कर लेंगे इस तरह से, और इस वाला PNG को हम लोग जूम आउट करके इसको कुछ इस तरह से मतलब यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। अगर आप लोग के मतलब फोटो में ये वाला मतलब हेड पट्टी नहीं होगा, तो आप लोग को मैं दे दूंगा इस तरह का PNG, तो आप वहाँ से लगा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस वाला PNG को जूम वगैरह करके यहाँ पर इरेजर्स के आइकॉन पर टैप करके यहाँ पर क्या करता हूँ, एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ पर इस तरह से रिमूव कर लेता हूँ इस तरह से, और सिंपली यहाँ पर एक बार डन करता हूँ। और इस वाला मोर पंख PNG को यहाँ पर लाता हूँ इस तरह से, और इसके ऊपर मतलब जस्ट यहाँ पर इस तरह से एडजस्ट कर लेता हूँ लाइक कुछ इस तरह। और यहाँ से लेयर के ऑप्शन पर टैप करके इसको मैं यहाँ पर मूव डाउन कर लेता हूँ। और सिंपली यहाँ पर इसको डन कर देता हूँ। अब दोबारा से मतलब ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करता हूँ, और यहाँ पर क्या करता हूँ, कृष्ण जन्माष्टमी मतलब तिलक PNG को ऐड करता हूँ। तो वेल, मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली इस वाला तिलक के PNG को ऐड कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो। तो इसको हम लोग को जूम आउट वगैरह करके अपने मतलब फेस के ऊपर यहाँ पर इसको इस तरह से लगाना है। मैं आप लोग को जूम करके सॉरी मैं आप लोग को वीडियो को फास्ट करके यहाँ पर इस तरह से लगा कर दिखलाता हूँ, देख सकते हो इस तरह से लगाना है। और भाई, अब यहाँ पर इसको हम लोग को राइट क्लिक कर लेना होगा। अब अगेन ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करना है, और यहाँ पर क्या करना है, एक मतलब बाउंसरी की PNG को ऐड करना होगा। सो गाइज, मैंने यहाँ पर इस वाले बाउंसरी PNG को ऐड कर लिया है, और इसको आप लोग मतलब अपने हिसाब से लगा सकते हैं अपने मतलब हैंड वगैरह में। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जूम आउट करता हूँ, और मेरे फोटो में मतलब हैंड नहीं है, मतलब यहाँ पर नीचे है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको जूम आउट वगैरह करके इसको मैं इस पोजिशन में मतलब यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। आप लोग मतलब अपने हिसाब से ये वाला चीज लगा सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर क्या करना है, इसको हम लोग को डन कर देना होगा। अब हम अगेन ऐड फोटो के ऑप्शन पे एक बार यहाँ पर टैप करते हैं, और यहाँ पर क्या करते हैं, फिर से मतलब एक PNG को ऐड करते हैं।
तो मैंने यहाँ पर इस वाला PNG को ऐड कर लिया है और इसको कुछ इस तरह से मतलब जूम वगैरह करके इसको हम लोग ऊपर की एरिया में मतलब इसको इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और सिंपली यहाँ पर डन कर देते हैं। अब अगेन ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करते हैं और यहाँ से क्या करते हैं, श्री कृष्ण जन्माष्टमी टेक्स्ट PNG को ऐड करते हैं। तो वेल मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली मतलब इस वाला टेक्स्ट PNG को ऐड कर लिया, आप लोग देख ही सकते हो। तो इसको कुछ इस तरह से मतलब जूम वगैरह करके इसको हम लोग को ऊपर में इस तरह से एडजस्ट कर लेना है लाइक कुछ इस तरह, और सिंपल से यहाँ पर इसको डन कर देना होगा। अब दोबारा से ऐड फोटो के ऑप्शन पर टैप करना है और फिर से मतलब कुछ PNG को यहाँ पर ऐड करना है। सो गाइस मैंने यहाँ पर दो PNG को ऐड कर लिया है, एक मतलब डस्ट पार्टिकल PNG है और एक मतलब यहाँ पर लाइट PNG है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाला डस्ट पार्टिकल PNG को हम लोग जूम वगैरह करके इसको मतलब इस तरह से एडजस्ट कर लेते हैं और ब्लेंड को हम लोग मतलब स्क्रीन के ऊपर सेलेक्ट करते हैं इस तरह से, और यहाँ पर इरेजर ब्रश के ऑप्शन पर टैप करके अपने फेस पर से ये वाला इफेक्ट को रिमूव करते हैं इस तरह से, और सिंपली यहाँ पर क्या करते हैं इसको डन कर लेते हैं एक बार, और इस वाला लाइट PNG को हम लोग यहाँ की साइड रख लेते हैं इस तरह से, और सिंपल से ब्लेंड के ऑप्शन पर टैप करके इसको भी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर टैप कर देते हैं और इसको हम इस तरह से मतलब एडजस्ट कर लेते हैं। सिंपली यहाँ पर डन कर लेना है। सो गाइज अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल से मतलब इफेक्ट वाला ऑप्शन पे एक बार टैप करेंगे और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सिंपल वाला इफेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लोग राइट साइड में करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग को मतलब CLN1 नाम से एक इफेक्ट देखने को मिलता है जो कि ये रहा। तो इस वाला इफेक्ट को आप लोग को मतलब सिलेक्ट कर लेना है, सॉरी अपने फोटो के अंदर अप्लाई कर लेना है, और इसके फेड को हम लोग को 50 के अराउंड यहाँ पर रख के सिंपली यहाँ पर डन कर देना होगा। तो अभी हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, अपने फोटो को मतलब और बेहतरीन बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करते हैं, ड्रॉ टूल के ऑप्शन पर टैप करते हैं और 3 डॉट के ऑप्शन पर टैप करके फोटो को सेव करते हैं और इस वाला फोटो को यहाँ पर क्या करते हैं, लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन कर लेते हैं। तो लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर अपने फोटो को ओपन करने के साथ साथ आप लोगों को क्या करना होगा, एक मतलब लाइटरूम प्रीसेट को भी ऐड कर लेना होगा और सिंपली यहां पर 3 डॉट के ऑप्शन पर टैप करके कॉपी सेटिंग के ऑप्शन पर टैप करके सभी में यहां पर मार्क कर लेना है इस तरह से, और सिंपली इसको डन करके अपने मतलब फोटो के ऊपर एक बार टैप करना होगा और अगेन मतलब 3 डॉट के ऑप्शन पर टैप करके डायरेक्ट यहां पर इसको पे सेटिंग कर देना होगा। तो पे सेटिंग करते ही आपका मतलब फोटो एक क्लिक के अंदर मतलब यहाँ पर एडिटिंग हो जाएगा, आप लोग देख सकते हो बिफोर एंड आफ्टर। और अपने फेस को यहाँ पर स्मूथ वगैरह करने के लिए आप लोग मतलब स्केचबुक ऐप का यूज कर सकते हैं। तो फोटो को यहाँ पर सेव करने के लिए सिंपली शेयर वाला ऑप्शन पर टैप करना है और सेव टू डिवाइस के ऑप्शन पर टैप करके फोटो को गैलरी के अंदर सेव करना है।